हमारा टाइम तो गया। हर दिन जब मैं पलंग से उठता हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि शाम तक मैं उसी पलंग में सो पाऊँगा कि नहीं। ये फाइट अपने लोगों के लिए दिल से किया, इसका असर मेरे परिवार में, मेरे निजी ज़िंदगी में, सब जगह में इसका बहुत ख़राब असर होगा। आज हम ये लड़ाई में लास्ट जगह में पहुंच चुके हैं। एक तरफ है एक राजा जिसने अपने महल को छोड़कर, अपने गरीब तीपराजा का आवाज़ को सुनकर, अपना मेन पार्टी कांग्रेस को छोड़कर, अपने गरीब तीपराजा के संग हाथ में हाथ, साइड में साइड लड़के खड़के फाइट किया, कदम कदम में फाइट किया। और दूसरे साइड में लोग जिन्होंने बड़ा बड़ा प्रॉमिस किया, बड़ा बड़ा गारंटी के बारे बात किया, अंत में कहते हैं कि त्रिपुरा बहुत छोटा है, बाद में बात करेंगे। मेरे लिए कोई भी हिंदुस्तानी बड़ा या छोटा नहीं होता है, मेरे लिए एक इंडियन एक इंडियन होता है। ये इंडियन का दाम का कीमत वही होता है जो उत्तर प्रदेश में है, जो महाराष्ट्र बेंगलोर में है, और वही कीमत हमारा TTADC का भी कुंभारा का होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें एक साल से कह रहा है कुछ होगा, और अगर नहीं किया तो मैं अपने शरीर के बारे चिंता नहीं करूँगा, मैं अपने परिवार के बारे चिंता नहीं करूँगा, और मैं फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दूंगा। अगर मैं कल मरा, क्योंकि सब जानते हैं कि पहले से भी मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरे अंदर और कॉम्प्लिकेशन है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, तो मेरे मरने से अगर दीपराजा को मोटिवेशन मिलेगा कि एक राजा हमारे लिए मरने के लिए तैयार है, तो हम लोग क्यों ऐसा है घर में बैठकर। अगर मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, अगर मेरा हंगर स्ट्राइक आपको एक मैसेज देगा कि ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मेरा ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाए, एटलीस्ट मरने से पहले मैंने आपको कुछ जागृत किया। आई एम रेडी एंड आई एम कंसिडरिंग टू गो ऑन टू फास्ट अंटिल डेथ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। मरेंगे तो अपने लोगों को फाइट करके मरें, मरना सबको है एक दिन, किस तरीके से मरेंगे वो चुनने का अधिकार बहुत कम को मिलता है। मैं नहीं डरता हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। दिस इज बुबागरा सेंडिंग योर मैसेज। I will not go down without a fight. I will not go quietly into the night. I will fight till my last breath so that my poor Deeprasa people can get something, so they can also hold their heads high. And jab I'm no longer there, jab main nahi rahunga, to aaj se 15-20 saal baad aap apne bacche ko batana
एक राजा था जिसने हमारे लिए फाइट किया, वही मेरा यादगारी रहना चाहिए। बेलाइन हम भाई, अगर आपके राजा को हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल भी करना पड़े हताई कतौर के बीच में, और बिना खाना खाकर आंदोलन करते करते अगर मेरा जान भी चला जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। एटलीस्ट पूरा देश तो बोलेगा कि एक राजा ने अपने लोगों के लिए अपना जान को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि वो राजा के पास इतना पैसा नहीं था जितना देश का बड़ा बड़ा नेता के पास है, उनके पास सेना नहीं था जितना इंडियन आर्मी के पास है, लेकिन उसके पास अपने लोगों के लिए इतना प्यार था कि वो नोक खाना नहीं खा के अनशन में बैठकर हंगर स्ट्राइक करके उसने अपने ज़िंदगी ख़त्म कर दिया, लेकिन अपने लोगों को एक बात बोला, आज मैं नहीं खा रहा हूँ, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके घर में भी खाना आए। आज मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि और कोई तीप्रासा अस्पताल में मरे। आज मुझे कष्ट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके पिताजी और आपके माताजी को कष्ट हो। आज ये सब जो मैं कर रहा हूँ, वो एक दिन इसका फल हमारे नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। जिंदगी में इंसान को एक पोजीशन लेना पड़ता है। मेरा पर्सनल जिंदगी बर्बाद हो गया है, मेरे पास आज सामने देखने के लिए कुछ नहीं है, और अगर मुझे इस दुनिया से जाना है तो मैं जाऊंगा, लेकिन पहले अपने लोगों को एक बार दिखा के जाना चाहता हूं कि मैंने आपको कितना प्यार किया। बहुत लोग ने मुझे कहा है कि त्रिपुरा छोटा है, इसके लिए कोई ध्यान नहीं देता। त्रिपुरा में भी हिंदुस्तानी रहता है, पंजाब में भी हिंदुस्तानी रहता है, उत्तर प्रदेश में भी हिंदुस्तानी रहता है, महाराष्ट्र में भी हिंदुस्तानी रहता है। एक हिंदुस्तानी का कीमत जो महाराष्ट्र में है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो तमिलनाडु में है, और जो त्रिपुरा में है, उनका कीमत एक ही होना चाहिए। आप वोट बैंक देखकर किसी का कीमत कम और नीचे करते हैं। हिंदुस्तान में हम सब एक हैं, और तीप्रासा का जो अधिकार छीना गया है, 70 साल से हमारा अधिकार छीना गया है, ये जो हमारा आंसू है ना, ये आंसू किसी और के आँख से नहीं आएगा, ये आंसू हमको खुद बहाना पड़ेगा। ये फाइट कोई हमारे लिए और नहीं करेगा, ये फाइट हमको खुद करना पड़ेगा। और अगर मरना भी हो तो मैं मरूंगा, क्योंकि अगर आज मैं मरा और हमें कुछ मिला, तो मेरा नेक्स्ट जनरेशन, आपका नेक्स्ट जनरेशन प्राउडली बोल सकेगा, हाँ, प्रद्युत विक्रम माणिक्य ने हमारे लिए फाइट किया, अपना जान दिया, लेकिन आज हम जहाँ भी हैं उनमें उनका कंट्रीब्यूशन था। ये मेरी लेगेसी है, ये मेरा सोच है। तीप्रा मोथा आयक लोकथोंग, तीप्रा सा दफा आयक लोकथोंग, तीप्रा सा जाति आयक लोकथोंग।